नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज़मेनिया इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा आठवीं विषय हिंदी कविता पहली है मातृभूमि इस कविता का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेंगे। चलो तो फिर स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। एक, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। समुद्र इसे प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। दो, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। मन और देह कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तीन, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक, कवि की जीवा पर इसके गीत हो। उत्तर है मातृभूमि। दो, मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर है समुद्र। तीन, मातृभूमि के सपूत। उत्तर है श्री रामकृष्ण। चार, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। उत्तर है मातृभूमि। पाँच, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। उत्तर है शीश। चार, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। सेवा में तेरी टिम्ब टिम्ब बलिदान में जाऊँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ तेरे ही काम आऊ तेरे ही गीत गाऊ मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। एक, पूर्ण विराम। राम बहुत होशियार लड़का है। दो, अर्धविराम। शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चीड़ हो गई थी। तीन, प्रश्न सूचक चिन्ह। कवि के माथे पर क्या लगा था। चार, योजक। दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। पाँच, विस्मय सूचक चिन्ह। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ। छह, इकहरा उद्धरण चिन्ह। राजकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। सात, दोहरा उद्धरण चिन्ह। राजा ने राजकुमारी से पूछा तुमने क्या किया उन दानों का। आठ, निर्देशक चिन्ह। प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द है ग्रंथालय स्वप्न पहेली काच। रामू नाम का एक गरीब लड़का था। वह अनाथ था। वह पढ़ना चाहता था। पैसे न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता था। वह काच की दुकान में सफाई का काम करता था। काच की उस दुकान में काच से बनी हुई रंग बिरंगी वस्तुएं थी। एक दिन सफाई करते समय एक कांच का गिलास उसके हाथ से नीचे गिर गया। इस कारण दुकान का मालिक उस पर गुस्सा हो गया और उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। रामू रोता रोता घर चला आया। बिना कुछ खाए वह सो गया। नींद में उसने एक परी को देखा। परी ने उससे कहा कि यदि वह उसकी पहेली का जवाब देगा तो वह टूटे हुए कांच के गिलास को फिर से जोड़ देगी। खुशी के मारे वह सपने में उछलने लगा। उसी वक्त उसकी आंखें खुली और तब उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। रामू बहुत ही निराश हो गया।
दूसरे दिन घूमते घूमते वह एक ग्रंथालय में गया। उसने ग्रंथालय में बैठकर किताबें पढ़नी चाहीं, लेकिन ग्रंथपाल ने उसे मना कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने जब यह जाना कि वह गरीब बच्चा किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन रुपए न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता, तब उन्होंने स्वयं ठान लिया कि उस गरीब बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च वे स्वयं करेंगे। सचमुच रामू की तकदीर बदल गई। आगे चलकर वह पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया। सीख: कठिन परिश्रम का फल सदैव हितकारी होता है। विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। उत्तर: विज्ञान व तकनीकी में विकास, अर्थव्यवस्था में सुधार, ग्रामीण विकास, गाँव में बिजली तथा सड़कों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, अनिवार्य शिक्षा, रोजगार में वृद्धि, आतंकवाद को नष्ट करना, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें मनुष्य किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है। जन्मस्थान या अपने देश को मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, वह जन्मदात्री है। मातृभूमि मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करती है। मातृभूमि के कारण मनुष्य पहचाना जाता है। मातृभूमि से प्राप्त अन्न खाकर हमारा विकास हुआ है। उसी की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। वह हमारे लिए वंदनीय है, इसीलिए उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पण करना हमारा कर्तव्य होता है। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। एक, चरण। उत्तर है चरणों। दो, सपूत। उत्तर है सपूतों। तीन, माथा। उत्तर है माथे। चार, माला। उत्तर है मालाए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक, माता। पर्यायवाची शब्द है जननी। दो, देह। पर्यायवाची शब्द है शरीर। तीन, चरण। उत्तर है पाव। चार, समुद्र। उत्तर है सिंधु। पांच, पद। उत्तर है पैर। छह, बलिदान। उत्तर है प्राणाहुति। सात, रज। उत्तर है धूल। आठ, शीश। उत्तर है सिर। बच्चों, अभी हम सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। बच्चों, आपको यह प्रश्न आपके कापी में लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको देखने मिलेंगे। धन्यवाद।